गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? हिमांशु गुड आफ्टरनून बेटा, खुशी गुड आफ्टरनून, कोमल गुड आफ्टरनून बेटा, पिंकी गुड आफ्टरनून, खुशी गुड आफ्टरनून बेटा, लोकेश, जिया, उन्नति, दक्ष, अक्षिता गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो भाई? आई होप सभी अच्छे होंगे, फाइन होंगे बेटा। बट अपना लास्ट जो टॉपिक चल रहा था नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन का ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण का ओके लास्ट जो अपना टॉपिक चल रहा था ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण में अपने कोस देख लिए थे, ध्वनि प्रदूषण में अपने कोस देख लिए थे कि क्या क्या ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं। ध्वनि प्रदूषण में एक तो मेन जो था इंडस्ट्रीज होती है बेटा, उद्योग बेटा, उद्योगों में जो सायरन होते हैं, उद्योगों में बेटा जो सायरन होता है वो बहुत लाउडली होता है बेटा, उद्योगों के जो साइरन होते हैं वो बहुत लाउडली होते हैं, बहुत तेज बजने वाले होते हैं। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं इंडस्ट्रीज में जो नॉइस फैलाती है, ध्वनि फैलाती है। जनरेटर जहां पे चलते हैं, जनरेटर बेटा जहां चलते हैं वो भी क्या करते हैं बहुत ज्यादा नॉइस फैलाते हैं, ध्वनि करते हैं। मशीनें और फर्नीचर इंडस्ट्री बेटा, लकड़ी काटने का जहां पे काम होता है ठीक है, फर्नीचर का जहां पे काम होता है वहां पे भी ध्वनि प्रदूषण अधिक पाया जाता है। जहां पे इलेक्ट्रॉनिक ड्रिलिंग होती है, बिजली से जो बेटा छेद निकालने वाली जो मशीनें होती है, ड्रिल मशीनें होती है बेटा, जहां पे इनका यूज होता है वहां पे भी ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है। जहां पे डीजे होता है बेटा ठीक है, वहां पे भी ध्वनि प्रदूषण इन सबसे तेज होता है बेटा, क्योंकि एक तो डीजे में बेटा आवाज तेज, दूसरे फिर धमकते गाने, और तीसरे के नाचने वाले में क्या होता है कि और तेज बजा बजे ठीक है। जब तक निकटतम पड़ोसी गांव में सुनाई आवाज नहीं दे तब तक सबर ही नहीं होता है कि डीजे भी बज रहा है। इनके अलावा एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जैसे आपको मान लो बेटा इलेक्शन का टाइम आता है ठीक है, या आपके गाड़ियों में प्रचार करने के लिए किसी सामान का एडवर्टाइज करने के लिए बेटा जो गांव में आते हैं स्पीकर लगा करके जो आवाज करते हैं कि आपका अपना उम्मीदवार होता है ना इलेक्शन में, एक कैंडिडेट की गाड़ी जाती है बेटा दूसरा आ जाता है, दूसरे की जाती है तीसरा आ जाता है, और जगह जगह माइक लगा करके एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। तो ये सब क्या है बेटा ध्वनि प्रदूषण के कारण है बेटा। अब देखते हैं इसके अफेक्ट, असर भी देख लो बेटा। इंक्रीज्ड हार्ट बीट, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अगर आवाज बहुत अधिक तेज है बेटा तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। हियरिंग इंपेयरमेंट, हियरिंग इंपेयरमेंट
ब्लड प्रेशर जहां पे बेटा अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे ध्वनि प्रदूषण अधिक है या बहुत लंबे समय तक रहता है बेटा, तो एक तो बेटा आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, सुनने में दिक्कत होना बेटा, ठीक है, बहरापन होना, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, ये कुछ प्रॉब्लम्स बेटा जो आपके नॉइज प्रॉब्लम्स की वजह से होती है, नॉइज पोल्यूशन की वजह से होती है। ओके बेटा, तीन प्रॉब्लम्स होती हैं बेटा, इंक्रीज हार्ट बीट, दिल की धड़कन बढ़ना बेटा, हियरिंग इंप्रूवमेंट, बहरापन, ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब बेटा। एक्सरसाइज क्वेश्चन देखें बेटा, फर्स्ट में बी, सेकंड भी बेटा, थर्ड में ए और फोर्थ डी बेटा। फर्स्ट में बी, सेकंड बी आल्सो, थर्ड ए एंड फोर्थ डी एंड फोर्थ डी बेटा। एनी प्रॉब्लम बेटा? नो प्रॉब्लम, ओके बेटा, राइट एवरीवन। दक्ष राइट हो गया बेटा, ओके। रियो ओलंपिक सेमीफाइनल जीतने के बाद बेटा, रियो ओलंपिक सेमीफाइनल जीतने के बाद फाइनल गोल्ड मेडल के लिए चलते बेटा, ठीक है, किसके लिए चलते बेटा? गोल्ड मेडल के लिए चलते हैं। और गोल्ड मेडल के अभी आपके चैप्टर 7 लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी बेटा, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं बेटा, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, सबसे पहले तो बेटा यहीं पे एक क्वेश्चन समझ लो बेटा, चैप्टर से समझ लेते हैं,
ना, तो इस सेक्टर का नाम ये क्यों रखा है? जब बेटा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा किसे कहते हैं? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं किसे कहते हैं? विच आर नोन एज लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, विच आर नोन एज लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। बेटा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की, बेटा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा किसे कहा जाता है या किससे जाना जाता है? आंसर बेटा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यातायात और संचार का, यातायात और संचार को, यातायात ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। बेटा दैट्स क्लियर, बेटा क्लियर। और ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं जी? ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? यात्रियों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की विधा को या साधन को ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन एनिमल्स एंड goods from one palace to other palace। वस्तुओं व्यक्तियों या एनिमल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना या ले जाना, बेटा ठीक है, मूवमेंट में दोनों आ जाएंगे, बेटा लाना या ले जाना क्या कहलाता है? बेटा ट्रांसपोर्ट कहलाता है, ठीक है। ह्यूमंस एनिमल्स और गुड्स, बेटा मानव पशु और वस्तुएं सामान का, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना क्या कहलाता है?
ट्रांसपोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसपोर्ट कहलाता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बेटा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप इसको बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, आप इसे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो बेटा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के प्रकार कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट का बेटा वर्गीकरण कर सकते हो, मतलब वही है बेटा, मीनिंग वही निकल के आता है। सबसे पहले तो आप क्या करता, लैंड ट्रांसपोर्ट होगा, फर्स्ट कौन सा था? लैंड ट्रांसपोर्ट। दूसरा है आपके वाटर ट्रांसपोर्ट, और थर्ड होगा एयर ट्रांसपोर्ट। स्थलीय परिवहन, जलीय परिवहन, वायु परिवहन का, परिवहन के साधनों को मुख्य रूप से बेटा अगर आप यातायात को डिवाइड करते हैं, यातायात को बेटा क्लासिफाइड करते हैं, तो यातायात का मुख्य रूप से तीन प्रकार में डिवाइड होता है बेटा, थ्री टाइप्स में डिवाइड होता है। नंबर वन लैंड ट्रांसपोर्ट बेटा, स्थल परिवहन। सेकेंड बेटा वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन। और थर्ड बेटा एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन। लैंड ट्रांसपोर्ट को भी बेटा फिर जब डिवाइड किया जाता है, लैंड ट्रांसपोर्ट को बेटा जब डिवाइड किया जाता है तो इसे बेटा तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रोड सड़के बेटा, रेलवे और पाइपलाइन। रोड ट्रांसपोर्ट बेटा इससे भी कितने भागों में डिवाइड करते हैं? रोड ट्रांसपोर्ट बेटा, लैंड ट्रांसपोर्ट को बेटा तीन भागों में डिवाइड करते हैं, रोड, रेलवे और पाइपलाइन का। जो आपके वाटर ट्रांसपोर्ट बेटा इसको दो भागों में, इसको बेटा दो भागों में, एक तो होता है बेटा इनलैंड, और दूसरा होता बेटा ओवर सीज। ओवर सीज बेटा एयर को बेटा दो भागों में डिवाइड किया जाता है, डोमेस्टिक एयर इंटरनेशनल। दो डोमेस्टिक फ्लोज है बेटा आपके पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट बेटा। अच्छे से समझ लेना बेटा आपके ट्रांसपोर्ट्स कितने प्रकार के बेटा, ट्रांसपोर्ट आपके थ्री टाइप्स। नंबर वन लैंड ट्रांसपोर्ट, सेकंड बेटा वाटर ट्रांसपोर्ट, थर्ड एयर ट्रांसपोर्ट बेटा। लैंड ट्रांसपोर्ट को जब डिवाइड करते हैं बेटा तो लैंड ट्रांसपोर्ट आपके तीन टाइप्स के, रोड, रेलवे, पाइपलाइन। ध्यान रखना बेटा कुछ बुक्स में,
कुछ बुक्स में आपको पाइपलाइन यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ बुक्स में यहाँ पे चौथा प्रकार कर दिया गया, फोर्थ टाइप कर दिया गया, ठीक है, पाइपलाइन को फोर्थ प्रकार कर दिया गया है कुछ बुक्स में है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक बेटा, अपने को क्या करना, अपनी किताब के हिसाब से चलना बेटा, सही ना। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग था आपके तीन प्रकार के हो गए बेटा, लैंड ट्रांसपोर्ट, रोड, रेलवे और पाइपलाइन का। फिर वाटर जो ट्रांसपोर्ट है, एक तो बेटा आपके इनलैंड, इनलैंड मींस होता है आंतरिक, अंतःस्थलीय, ठीक बेटा, अंतःस्थलीय या आंतरिक बेटा, किसी देश की सीमाओं में, किसी देश की सीमाओं में, जैसे मान लो भारत है, यहां बेटा गंगा में अपने यहां से यहां तक अपन बेटा नाव चला रहे हैं, ठीक है, यहां से यहां तक बेटा अपन नाव चला रहे हैं, इनलैंड होगा बेटा ये, ठीक है, यहां पर कोस्टल एरिया के साथ साथ चलते बेटा, कोस्टल एरिया के साथ साथ अपन चल रहे बेटा, ये भी क्या होगा, इनलैंड होगा, ये भी कौन सा होगा, इनलैंड होगा। लेकिन जब आप बेटा भारत से श्रीलंका जाओगे, भारत से श्रीलंका जाओगे तो कौन सा होगा बेटा, ये ओवरसी महासागरों के द्वारा बेटा, या आप इसको इंटरनेशनल भी कह सकते हो, ठीक है, अपन इसको बेटा इंटरनेशनल भी कह सकते हैं। जब समुद्रों से दूरी करेंगे तो बेटा समुद्र किसी देश के बीच में से तो जाता नहीं है, ठीक है, कि भाई आधा भारत इधर है आधा उधर है, बीच में पैसिफिक ओशन है, ऐसा तो होता नहीं बेटा। जब दो देशों के मध्य आपके शिप से ट्रांसपोर्ट होता है तभी क्या होगा बेटा, ओवरसी होगा, अंतःस्थलीय इनलैंड बेटा और ओवरसी महासागरों के द्वारा बेटा, यह आपके इंटरनेशनल हो जाएगा। एयर ट्रांसपोर्ट को सुन देखो बेटा, एयर ट्रांसपोर्ट होता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक मींस होता है घरेलू, डोमेस्टिक मींस क्या होता है घरेलू, आप इसको बेटा नेशनल भी बोल सकते हो, डोमेस्टिक को आप बेटा नेशनल भी बोल सकते हो, राष्ट्रीय भी बोल सकते हो। एक देश की सीमाओं में होने वाली जो बेटा उड़ाने हैं, एक देश की सीमाओं में होने वाली जो उड़ाने हैं बेटा, वो कौन सी होती है, डोमेस्टिक बोल दो चाहे आप उसको नेशनल बोल दो बेटा। और एक देश से जब दूसरे देश में उड़ाने होती है, एक देश से बेटा जब दूसरे देश में उड़ाने होती है तो वो कौन सी बेटा, इंटरनेशनल, कौन सी बेटा, वो इंटरनेशनल हो बेटा। डोमेस्टिक दो बेटा, डोमेस्टिक भी दो, एक तो होता है पब्लिक, सरकारी वायुयानों के द्वारा जो गवर्नमेंट आपके एरोप्लेन्स हैं जिसमें बेटा आप यात्रा करते हो, मान लो आप जयपुर से जाते हो हैदराबाद जाते हो, जयपुर से गोवा जाते हो मुंबई जाते हो बेटा, ठीक है, अपना पे करते हो जो आपका किराया है वो पे करते हो और आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हो बेटा। तो जो आपके बेटा सरकारी विमान है, जैसे आपका एयर इंडिया बेटा, इंडियन एयरलाइंस है, जब आप इनसे दूरी करते हो, इनसे यात्रा करते हो तो कौन सी आएगी बेटा, वो पब्लिक आएगी। और भाई मान लो आपके टाटा है, रतन टाटा है, मुकेश अंबानी है, या और जो पैसे वाले गरीब आदमी है, ठीक है, जिनके पास खुद के हवाई जहाज है, वो यात्रा करेंगे तो बेटा वो गवर्नमेंट में थोड़ी करेंगे भाई, वो तो अपनी खुद की गाड़ी लेकर के चलने वाले आदमी होते हैं, तो वो कौन सी होगी बेटा, प्राइवेट। अरे इतने ऐसे संकोच ना यार, तो अपन गरीब आदमी नहीं है, ठीक है ना, अपन तो इनसे अमीर है, ये तो एक ही हवाई जहाज में बार बार बैठते हैं, और जब अपन बच्चे थे बेटा हवाई जहाज उड़ा देते तो उठाते ही नहीं थे, ठीक है, दूसरे के लिए छोड़ देते थे कि अब इसको तुम चला लेना, हमें नहीं चाहिए, ओके, अपन बेटा किसी से कम थोड़ी है, नहीं ना। इंटरनेशनल बेटा, जब भारत से बेटा अपने को श्रीलंका जाना है, जापान जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है, तो अपन बेटा कौन सी फ्लाइट यूज करेंगे, अपन करेंगे इंटरनेशनल, ठीक है, भगवान करे आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी ये दिन आए, है ना बेटा, वो हवाई जहाज तो अपन पायलट बन करके छोड़ दिए, आप किसी दूसरे पायलट की देते हैं इसको उड़ाना आता है कि नहीं आता है, क्लियर बेटा,
क्लियर है एवरीवन? राइट है एवरीवन बेटा? राइट है एवरीवन? ओके बेटा, टाइप्स ऑफ रोल, टाइप्स ऑफ रोल। अरे बेटा सक्सेस का मतलब खुद ही कह रहा हूं कि अपन गरीब नहीं है, थोड़ा अपन तो अमीर है। और विश्वास नहीं हो तो चल उनके संबानी से पूछ लो, वो खुद ही कह देगा कि भाई इनके आगे तो हम भी गरीब हैं। क्योंकि वो बेटा यहाँ पे आने आना नहीं अपने से कहने के लिए कि भाई आप अमीर हो या मैं गरीब हूँ, अपन उसके पास जाने से रहे तो अपने आप को क्यों गरीब बताएं? सुन ना, कंपेयर करें तो अच्छी जगह तो करें। चलो बेटा छोड़ो अमीर गरीब, सभी अपनी अपनी जगह अमीर हैं। और बेटा अगर आप दूसरे से कंपेयर करते रहोगे तो अपन गरीब हैं। अपने से नीचे वालों को देखो बेटा, अपने से नीचे वाले को देखो, फिर अपन विश्व के सबसे धनी हैं, जहां पे मन को संतुष्टि है कि भाई अपने पास जो है वो सफिशिएंट है, ठीक है, वहीं पे बेटा आदमी सुखी है, वही धनी है। और चाहे पूरी दुनिया का साम्राज्य भी अपने पास आ जाए फिर भी यदि बेटा संतुष्टि नहीं है तो वो तो बेटा गरीब ही। इंद्र तो देवताओं का राजा था, स्वर्ग का राजा था, फिर भी संतुष्ट नहीं था तो दुखी रहता था। चलो बेटा अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ रोल। बेटा ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मैटेरियल्स, बेटा निर्माण सामग्री के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ बेटा मैन्युफैक्चरिंग मैटेरियल्स, निर्माण सामग्री के आधार पर जब सड़कों का बेटा अपन क्लासिफिकेशन करते हैं, जब बेटा अपन सड़कों का वर्गीकरण करते हैं तो सड़कें होती हैं दो प्रकार की बेटा, पक्का मेटल बेटा, पक्की सड़कें या मेटल सड़कें बेटा। पत्थर से बनी हुई बेटा, तारकोल, सीमेंट, ऐसी सड़कें बेटा जो पत्थर, डामर, कंक्रीट, सीमेंट इनसे बनी हुई होती हैं बेटा, वो तो होती हैं बेटा पक्की सड़कें। और दूसरी बेटा कच्चा अन मेटल बेटा, ये होती है सोइल, मिट्टी से बनी हुई, ये होती है बेटा सोइल, मिट्टी से बनी हुई। सड़कें बेटा आपके कितने प्रकार की बेटा, अगर आप निर्माण सामग्री के आधार पर देखते बेटा, अगर सड़कों को बेटा अपन निर्माण सामग्री के आधार पर देखते हैं तो ऐसी सड़कें बेटा, ऐसी सड़कें जो पत्थर से, सीमेंट से, कंक्रीट से, लोहे से बनी होती बेटा, वो तो गई पक्की सड़कें। और ऐसी सड़कें बेटा जो मिट्टी से बनी होती है, ठीक
ठीक है, जो मिट्टी से बनी होती है वो कच्ची सड़कें होती हैं। ये सड़कें अक्सर बरसात में बह जाती हैं, ये सड़कें अक्सर बरसात में बह जाती हैं। बरसात आने से पहले गए तो सड़क थी, नेक्स्ट डे गए पता ही नहीं कहां गई, ठीक है ना। राइट आंसर बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस होगा। निर्माण एवं रख रखाव के आधार, निर्माण एवं रख रखाव के आधार पर बेटा सड़क, बड़ा इसमें बहुत सड़कें आती हैं, अपने को ये देखना पड़ेगा बेटा कि किस सड़क को कौन सी तो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है ना, किस सड़क को कौन सी गवर्नमेंट बना रही है, उसका निर्माण कौन कर रहा है, उसका मेंटेनेंस रखने का काम किसका है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है, या लोकल बेटा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बनाता है। तो अलग अलग बेटा प्रकार की सड़कें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, अलग अलग प्रकार की सड़कें बेटा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाते बेटा। फर्स्ट बेटा आपके एक्सप्रेस हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस बाय NHAI, जो आपके सुपर एक्सप्रेस हाईवे हैं, या जो बेटा आपके एक्सप्रेस हाईवे हैं, ठीक है, जो आपके बेटा एक्सप्रेस हाईवे होते हैं उसका निर्माण और रख रखाव करने के लिए बेटा एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट बेटा NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेटा NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेटा, एक्सप्रेस जो आपके महामार्ग बेटा, इनका निर्माण और रख रखाव कौन करता है भाई, NHAI करता है। आपके बेटा दो परियोजनाएं हैं इसमें, ठीक है, NHAI के द्वारा बेटा दो बड़ी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, दोनों परियोजनाओं को बेटा अपन देख लेते हैं। ए गोल्डन गोल्डन क्रिटेरियम सुपर
हाई वेबर सरनेम चतुर्भुज कौन सी योजना अड्डा है सरनेम चतुर्भुज अड्डा जो आपका इंडियन मैप है बेटा इंडियन मैप में एक तो यहां पे देखो था दिल्ली ठीक है मुंबई चेन्नई कोलकाता बेटा इन चारों शहरों को बेटा रेल मार्गों से जोड़ना डायरेक्ट रेल मार्गों से जोड़ने वाली जो परियोजना बेटा वो कौन सी है आपके सरनेम चतुर्भुज बेटा लास्ट सेंटर बेटा कहां कहां पे बेटा ये देखिए एक बार लास्ट सेंटर बेटा कहां कहां पे इसके दिल्ली कहां पे बेटा इसके नॉर्थ में तो बेटा आपके दिल्ली ईस्ट पूरा में बेटा कोलकाता ईस्ट मुंबई वेस्ट साउथ चेन्नई बेटा इसमें साउथ में ध्यान रखना बेटा आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा ठीक है के जो आपके गोल्डन क्यूरेटर है सुपर हाईवे बेटा इसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं इसके बेटा लास्ट पॉइंट कौन कौन से हैं तो इसके लास्ट पॉइंट आपके बेटा उत्तर में नॉर्थ साइड में दे दिए बेटा ठीक है ईस्ट पूर्व में कोलकाता वेस्ट में मुंबई और साउथ में चेन्नई सरनेम चतुर्भुज परियोजना के चार बेटा कल देखेंगे अपन इसके इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे अपन सेकंड हो जाएगा बेटा इसका कॉरिडोर रोड्स बेटा कल कौन सा टॉपिक देखेंगे अपन का कॉरिडोर रोड्स बेटा गलियारा सड़कें नाउ का आज की क्लास को करते हैं ऑफ कल मिलते हैं बेटा तब तक के लिए गुड डे हैव ए नाइस डे बेटा